तुम अपने जैकॉल अंकल से ये नहीं पूछोगी कि मैं तुम्हारे पापा को और यहाँ ढेर सारे वैज्ञानिकों को किडनैप करके क्यों लाया हूँ? मैं समझी नहीं। मैं समझाता हूँ गीता, मैं समझाता हूँ। क्योंकि तुम्हारे ये जैकॉल अंकल इस दुनिया के सारे वैज्ञानिकों को शैतान बनाना चाहते हैं ताकि साइंस सारी दुनिया के लिए अभिशाप बन जाए। और जानती हो इस काम में मेरा जरिया कौन बन रहे हैं? तुम्हारे आदरणीय पापा प्रोफेसर विश्वास। क्या? पापा? ये सच कह रहा है पापा? हाँ, ये बिल्कुल सच है। इनसे मिली जानकारी के जरिए मैं इंसान को शैतान बनाने वाली दवा बना रहा हूँ और फिर उस दवा के जरिए यहाँ के सारे वैज्ञानिकों को शैतान बना दूंगा। बस मेरा काम खत्म, फिर वो काम करेंगे शैतानी ढंग से साइंस का इस्तेमाल कर पूरी दुनिया में तबाही फैला देंगे, तबाही। अच्छा हुआ जो तुम यहाँ चली आई। तुम इस ट्रांसमीटर के जरिए शक्तिमान को यहाँ बुलाना चाहती थी ना, अब मैं उसे बुलाऊंगा। शक्तिमान का मरना अंधेरे के लिए बहुत जरूरी है। अब तुम देखना कैसे ये ट्रांसमीटर शक्तिमान की मौत का कारण बनता है। भाला! कहीं वो यंत्र उनके हाथों में तो नहीं पड़ गया? ये तो बहुत भयंकर बात होगी। वो जरूर उस घड़ी का रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। पापा, इस घड़ी का रहस्य मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। जैकाल कहता है कि इस घड़ी के जरिए शक्तिमान ने ट्रांसमीटर भेजा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है पापा? वो घड़ी तो गंगाधर की है, उसे मैंने गंगाधर के पास देखा था। लेकिन गंगाधर के पास इतना स्ट्रॉन्ग ट्रांसमीटर कैसे आ सकता है? आ सकता है पापा। कैसे? अगर मेरा शक सही निकला तो। कैसा शक? अब मुझे विश्वास होने लगा है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। क्या क्या कहा तूने? यही कि गंगाधर और शक्तिमान दो अलग इंसान नहीं, एक ही इंसान है। एक इंसान के दो अलग अलग रूप। तुम्हारा मतलब है एक ही व्यक्ति के दो व्यक्तित्व? यस पापा, द मैन हैज अ ड्यूअल पर्सनालिटी, एक बेवकूफ गंगाधर और दूसरा बुद्धिमान शक्तिमान। लेकिन अचानक तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है गीता? अचानक नहीं पापा, ये शक मेरे मन में बहुत पहले से था। गंगाधर भी इस बात को जान गया था, इसीलिए वो मुझसे कटने लगा था। लेकिन एक दिन मैंने उसे पूछ ही लिया। अभी भी तो तुम दो दो भूमिकाएं एक साथ निभा रहे हो, क्यों गंगाधर जी? सच है ना? दो दो भूमिकाएं? हाँ, एक गंगाधर की और एक शक्तिमान की, डबल पर्सनालिटी। मैं आपका मतलब समझा नहीं। मेरा मतलब तुम अच्छी तरह से समझते हो। नहीं देवी जी, मैं सचमुच नहीं समझा आपका मतलब। गंगाधर प्लीज बनो मत, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम ही शक्तिमान हो। लेकिन न जाने क्यों मैं सब कुछ भूल गई। अब इस घड़ी की वजह से ये शक दोबारा मेरे मन में जाग उठा है। शायद मैंने आपको बताया नहीं था पापा, गंगाधर और शक्तिमान दोनों ही मेरे जीवन में एक ही दिन आए थे। पहले आया आम आदमी से थोड़ा कम बड़बड़ करने वाला बेवकूफ देहाती मन बुद्धि वाला गंगाधर। वो मुझे मुसीबत से आगाह करने आया था। कर ले जाने में कोई नहीं रोक सकता, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। और फिर आया अद्भुत साहसी योद्धा, सच का प्रतीक शक्तिमान। शक्तिमान, शक्तिमान, ये किसी की शक्ति का
उसने सिर्फ मुझे ही नहीं पापा, बाकी सारे लोगों को भी मुसीबत से बचाया, और आज तक दुनिया को मुसीबतों से बचाता आ रहा है। चलो मान लिया कि वो दोनों तुम्हें एक ही दिन मिले थे, लेकिन इससे ये कहां साबित होता है कि वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं? ये महज एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। नहीं पापा, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। अरे एक बार हो तो मान भी लूं, लेकिन सच तो ये है कि गंगाधर और शक्तिमान मुझे एक साथ कभी नहीं मिले। जब गंगाधर मेरे साथ होता है तो शक्तिमान वहां कभी नहीं आता, और जब शक्तिमान आता है तो गंगाधर अचानक कहीं गायब हो जाता है। एक के जाने से ही दूसरा आता है। दोनों एक साथ मुझे कभी नहीं मिले पापा, कभी नहीं। बल्कि कई बार शक्तिमान मुसीबत से बचाने आया ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त गंगाधर मेरे साथ मौजूद था। तब गंगाधर ने मुझे मुसीबत से बचाया था कई बार। ऐसी ही घटना घटी। परछाई तुम भागती चली आ रही है। अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कहां तक भागेंगे हम लोग? अरे ये गाड़ी कैसे जा रही है पीछे? इस परछाई से बचना है तो कुछ करना ही पड़ेगा, वो भी गीता जी के मौजूदगी में। कोई बात नहीं करते हैं। उड़न खटोले पर उड़ जाऊं, तेरे हाथ कभी ना आऊं, ओ परछाई तेरे हाथ कभी ना आऊं। उल्लू बना दिया। देवी जी, ये कहीं हम लोग मरकर स्वर्ग लोक तो नहीं पहुंच गए ना? नहीं गंगाधर, बात कुछ और है। बात क्या है देवी जी? अगर कोई ताकत परछाई बनकर हमारा पीछा कर रही थी, तो ऐसी एक ताकत और थी जो हमें परछाई से बचा रही थी, मगर समझ में नहीं आता कि वो ताकत किसकी थी। कल तक मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही थी पापा, लेकिन आज मेरी सब कुछ समझ में आ रहा है। वो अपनी शक्ति से रूप बदल कर आ जाता है। शक्तिमान ने मुझसे खुद कहा था कि वो मन की गति से ट्रैवल कर सकता है, और इस बात का एक और प्रूफ है पापा कि गंगाधर ने शक्तिमान की तस्वीर कभी नहीं खींची। वो कोई ना कोई बहाना बना लेता है और इस बात को टाल देता है। खींचता भी कैसे, वो खुद शक्तिमान है, और शक्तिमान अपने खुद की तस्वीर कैसे खींच सकता है? हाँ, एक बार गंगाधर ने मेरी तस्वीर शक्तिमान के साथ जरूर खींची थी। गंगाधर जल्दी करो, शक्तिमान जा रहा है। शक्तिमान, शक्तिमान को छूना मत। शक्तिमान प्लीज, मुझे तुम्हारे साथ एक फोटोग्राफ चाहिए, तुम्हारी न्यूज के लिए। देवी जी, हाँ? पोज। थैंक यू गंगाधर। लेकिन जब वो तस्वीर धुल कर आई तो उसमें सब लोग थे, लेकिन शक्तिमान, सिर्फ शक्तिमान उस तस्वीर से गायब था। उस फोटोग्राफ की वजह से मेरी ऑफिस में बहुत बेइज्जती हुई थी पापा। जो भी हो, उसने शक्तिमान के साथ तुम्हारी तस्वीर खींची तो थी, मगर पापा मुझे लगता है कि उस दिन शक्तिमान क्लब में आया ही नहीं था। शक्तिमान नहीं था तो कौन था? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं शक्तिमान को अच्छी तरह से जानती हूँ पापा।
वो हमेशा गोल गोल घूमकर आता है, लेकिन उस दिन वो गोल गोल घूमकर नहीं आया था, बल्कि अपनी पेंटिंग से बाहर आया था। जब मैंने गंगाधर से इसके बारे में बात की तो गोल गोल बातें करके उसने मुझे टाल दिया था। गंगाधर, आज तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लगा? क्या? शक्तिमान आज गोल गोल घूमकर क्यों नहीं आया? क्योंकि हम नहीं चाहते थे देवी जी। लगता है देवी जी, शक्तिमान भैया ने हमारे हमारे मन की बात जान ली होगी। नहीं गंगाधर, बात कुछ और है, कोई ना कोई चक्कर जरूर है। कहीं वो शक्तिमान का सूक्ष्म शरीर तो नहीं था? सूक्ष्म शरीर? हाँ, हमारे अंदर दो शरीर होते हैं, एक हमारा ये स्थूल शरीर जो सबको दिखाई देता है, और दूसरा हमारे अंदर का सूक्ष्म शरीर। इसे सब लोग नहीं जान सकते, केवल योगी ही जानते हैं। अगर तुम्हारा शक सही है तो शक्तिमान ने उस रोज तुम्हें अपना सूक्ष्म शरीर दिखाया होगा। वैसा कर सकता है क्योंकि वो योगी भी है। लेकिन गीता, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या बात है पापा? अगर शक्तिमान के दो रूप हैं, यानी कि अगर वो अपना रूप बदल सकता है, तो ये बात वो लोगों से छिपाता क्यों है? हाँ पापा, ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। शक्तिमान ने मुझे अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई, फिर ये बात क्यों छुपा कर रखी उसने? यू नो पापा, मैं शक्तिमान से टेलीपैथी के जरिए बात कर सकती हूँ। अपना सबसे पहला इंटरव्यू शक्तिमान ने मुझे टेलीपैथी के जरिए दिया था। उस इंटरव्यू में शक्तिमान ने मुझे अपनी सारी शक्तियां, अपने उद्देश्य, अपने गुरुओं के बारे में सब कुछ बताया। फिर ये बात उसने मुझे क्यों नहीं बताई कि गंगाधर भी उसी का एक रूप है? सिर्फ यही बात नहीं गीता, मुझे लगता है उसने रंजीत सिंह वाली बात भी हमसे छुपाई है। उसका रंजीत सिंह से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि वो ट्रांसमीटर जो मेरी घड़ी में है दुश्मनों के हाथ लग गया है। समझ में आ रहा है डियागो? नहीं सर, ये एक सिंपल घड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये घड़ी किसी ट्रांसमीटर की तरह काम कैसे कर रही थी? ऐसा कैसे हो सकता है? ये घड़ी सिंपल कैसे हो सकती है? अगर इसने ट्रांसमीटर की तरह यहां से बाहर संदेश भेजा था,
तो यकीनन इसके अंदर ट्रांसमीटर है। अगर वो यहाँ है तो कहाँ है सर? आखिर हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हमारी आंखें उसे देख नहीं पा रही हैं, मगर हमें देखना होगा। आखिर शक्तिमान के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आई कहां से? कहीं ये प्राचीन भारतीय विज्ञान का नमूना तो नहीं? प्राचीन भारतीय विज्ञान? हाँ, प्राचीन भारतीय विज्ञान जो उस वक्त भी हमारे आज के इस साइंस से बहुत आगे था। सूर्यांशी उस ज्ञान के बारे में आज भी जानते हैं, मगर उन्होंने इसे दुनिया से गुप्त रखा हुआ है। अगर ये उसी विज्ञान का एक नमूना है तो फिर हमारे लिए इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है। हमें इसे जानना चाहिए। यस, ज्यादा कोशिश करो, इसे जानने की कोशिश करो। हेलो, यस बॉब, ओके बॉब। सर नीचे सब कुछ तैयार है। तो फिर सारे साइंटिस्ट को नीचे ले जाने का इंतजाम करो डियागो। यस सर। आखिर इस घड़ी का रहस्य क्या है? आप दोनों चलिए हमारे साथ। चलो। लेकिन हमें कहां ले जा रहे हो? चुपचाप चलो, सब पता चल जाएगा। चलो। चलो। चलो बांधो इन दोनों को यहाँ। यस सर। चलो।